अमेरिका को चीन के रक्षा मंत्रालय की डायरेक्ट वार्निंग। यूएस के लिए पहली बार डायरेक्ट थ्रेट शब्द का इस्तेमाल किया उसने। दुनिया के लिए वॉशिंगटन डायरेक्ट थ्रेट है, ये चीन कह रहा है। दुनिया पर रौब जमाने के लिए सैन्य खर्च बढ़ा रहा है यूएस। चीन को खतरा बताकर दुष्प्रचार करने में जुटा है अमेरिका, ये चीन का कहना है। अमेरिका और चाइना के बीच जारी तनाव जारी है। ताइवान के मुद्दे पर दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव चरम पर है। चीन ने पहली बार अमेरिका पर सीधा हमला बोला है, धमकी दी है कि अगर अमेरिका बाज नहीं आया तो चीन के साथ युद्ध छिड़ सकता है। चीन ने अमेरिका को दुनिया के लिए सीधा खतरा बताया है। चीन ने क्षेत्रीय अशांति, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए अमेरिका को खतरा बताया है। चीन ने कहा है कि अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अमेरिका सैन्य खर्च बढ़ा रहा है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि अपने हितों के लिए अमेरिका ने कई देशों में जंग छेड़ी है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई, लोगों को विस्थापित होना पड़ा। 2023 के लिए अमेरिका ने $858 बिलियन का सैन्य बजट रखा है। ताइवान को सुरक्षा के नाम पर $10 बिलियन अधिकृत किए गए हैं। चीन ने अपनी दुखती रग ताइवान का भी जिक्र किया। चीन ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका की वजह से शांति स्थिरता खतरे में पड़ गई है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका की वजह से चीन और यूएस के बीच सैन्य टकराव का खतरा बढ़ गया है।